लेकिन वो खुलता नहीं है। मैम गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जिसकी जिसकी पीडीएफ खुल नहीं रही है ना वो बेटा अपने फोन में पावर पॉइंट डाउनलोड कर लेना। पावर पॉइंट में सभी आपकी पीडीएफ वो खुलेगी। ओके प्ले स्टोर में जाके पावर पॉइंट डाउनलोड कर लेना। ओके बेटा। ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैं थैंक यू मिस। ओके ओके तो अब हम लेसन नंबर 2 जो है हमारा वह है अनूठे इंसान। तो यहाँ पर हमें दो प्रसंग दिए गए हैं। तो जो पहला प्रसंग जो है वह है फ्रांस के महान शासक नेपोलियन के बारे में, उसके बचपन के बारे में हमें यहाँ पर प्रसंग दिया गया है। और दूसरा जो है वह देशभक्त लड़की कौमुदी के बारे में हमें यहाँ पर किस्सा प्रसंग बताया गया है। तो कौन दो व्यक्ति है जिनके बारे में हमें यहाँ पर अनोखे इंसान के प्रसंग दिए गए हैं? तो पहला तो नेपोलियन। यस ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। वह माना जाए कि वह उस देश का सम्राट ही था, राजा ही था। तो फ्रांस जो देश का राजा था वो लेकिन वह राजा होने के बाद का किस्सा यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके बचपन की घटना हमें एक दी गई है और उनसे ही हमें पता चलता है कि वह सच्चाई का डटकर सामना करते थे। उनमें बचपन से ही सच्चाई का गुण था, प्रामाणिकता का गुण था, ईमानदारी का गुण था। तो जो लोग महान होते हैं वो बड़े होकर कोई महान नहीं बनता, लेकिन बचपन से ही उनमें अच्छे गुण होते हैं। तो ये सब गुण जो है वह सभी लोगों को कहाँ से मिलते हैं? अपने स्कूल से और अपने परिवार से। तो बच्चों को अच्छे गुण बचपन से ही सब में आते हैं। तो नेपोलियन में भी बचपन से ही अच्छाई का गुण था, सच्चाई का गुण था, प्रामाणिकता, ईमानदार, सभी गुण जो थे वो नेपोलियन में बचपन से ही थे। तभी वह बड़ा होकर फ्रांस देश का सम्राट बन सका था। तो इसी तरह दूसरा जो प्रसंग यहाँ पर हमें दिया गया है वह कौमुदी के बारे में दिया गया है। जो कौमुदी थी वो एक लड़की थी जो उसका हमें गांधी जी और उसके बारे में यहाँ पर हमें प्रसंग दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेपोलियन के बारे में। तो ऐसा था नेपोलियन। तो नेपोलियन के बारे में तो हमने जाना ना कि नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के राजा माने जाते थे। तो नेपोलियन जब छोटे थे तभी से वह सत्यवादी थे। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। तो इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। हम भी ऐसा करते हैं ना अपनी भाई बहन के साथ, क्या क्या खेलते हैं कि अपनी चोली खेलते हैं, पकड़म पकड़ी खेलते हैं, बैट बॉल और फुल रैकेट खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, सभी खेल खेलते होंगे ना। अभी तो लॉकडाउन में सभी ने यही किया होगा, करते हैं ना आप सभी ऐसा? हेलो बॉय। तो ये नेपोलियन जो था और वो इलाइजा वो दोनों क्या कर रहे थे कि वह दोनों छिपा छुपी खेल रहे थे और इतने इसी में वो दौड़ा दौड़ी इधर उधर कर रहे थे। तो अचानक वह एक लड़की से जा टकराया और लड़की अमरुद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरुद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी।
वह दोनों जब छुपम छुपी खेल रहे थे तो एक अमरूद यानी कि आपने गुजराती में जिन्हें जामफल कहे ने, तो एक छोकरी इने टोपली में जामफल लेने वेचवा जा रही थी, तो इनी साथे नेपोलियन छे इनी साथे टकराए छे भटकाए छे अने इना टोकरी छे नीचे पड़ी जाए छे अने इना बधा ज अमरूद जे छे जामफल जे होय छे खराब थई जाय छे। वह रोती हुई कहने लगी अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। वह टोकरी वाली लड़की जो थी वह रोने लगी क्योंकि उसके सारे अमरूद जो है वो खराब हो गए। इलाइचा कहने लगी चलो भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन नहीं बहन हमारे कारण ही तो इसकी हानि यानी नुकसान हुआ है। हानि का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे तीन छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा बहन मेरे पास ये तीन ही सिक्के है तुम इन्हें ले लो। तो वह लड़की जो है वह कहती है कि इन तीन सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया और माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ मगर याद रखना अब तुम्हें एक महीने तक जेब खर्च के लिए मैं कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। नेपोलियन ने क्या किया कि जब वो उस लड़की से साथ टकराया तो उस लड़की के सारे अमृत तो खराब हो ही गए और बाद में वह लड़की को अमृत गिर जाने पर उसकी बहन इलाइजा जो थी नेपोलियन की बहन वो कहने लगी कि चलो अब हम यहाँ से भागते हैं चले जाते हैं। तब नेपोलियन कहता है कि नहीं हम मेरे कारण इसका नुकसान हुआ है इसकी हानि हुई है। तो वो अपने जेब में से तीन सिक्के निकाल कर उसे दे देता है। लेकिन उस वह लड़की कहती है इतने पैसे में क्या होगा, मेरा तो बहुत सारा नुकसान हुआ है मेरी माँ मुझे डांटेगी। तब वह नेपोलियन कहता है कि चलो कोई बात नहीं तुम मेरे साथ मेरे घर चलो मैं तुम्हें मेरी माँ से तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा दूंगा। और नेपोलियन जब उस लड़की को लेकर घर पर जाता है तो उसकी माँ को कहता है कि माँ तुम मुझे जो जेब खर्च यानी कि पॉकेट मनी देती हो वह मेरी पॉकेट मनी में से काट लेना, लेकिन इस लड़की के उसके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो। तब माँ कहती है कि मैं इस लड़की को उसके पैसे तो दे दूंगी लेकिन एक महीने तक तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो नेपोलियन कहता है कोई बात नहीं माँ लेकिन इस लड़की को उसके पैसे दे दो। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को दो बड़े सिक्के दिए और वह खुशी खुशी लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में भी अद्भुत आनंद आया। उसकी माँ ने उसे पॉकेट मनी देने से इनकार तो किया लेकिन वह नेपोलियन का नुकसान तो हुआ लेकिन उसके साथ साथ उसने कुछ अच्छा काम किया, किसी का नुकसान होने से बचाया, तो इसके लिए वह बहुत खुश भी थे। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। इसके बाद अब है सच्चा दान। तो सच्चा दान के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर एक कौमुदी नाम की लड़की जो केरल में रहने वाली थी उसके बारे में यहाँ पर एक किस्सा बताया गया है। जो जब गांधी जी सत्याग्रह का आंदोलन चला रहे थे, अपने देश को आजाद करवाने का आंदोलन चला रहे थे, तो उसमें उससे बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती थी लेकिन गांधी जी के पास तो इतने सारे पैसे नहीं थे। तभी वह अलग अलग राज्य में जाकर सभा का आयोजन किया करते थे और गांधी जी जहाँ पर
जब भी जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर से सभी के पास से दान मांगते थे। वो कहते थे कि हमें अपने देश को आजाद कराने के लिए मुझे कुछ पैसे या सेवर की आप मदद करेंगे तो हम अपने देश को आजाद करवा सकेंगे। तो तभी उसी समय की बात है, मालाबार केरल की बात यहाँ पर है। वहाँ बड़ेगरा गांव के नाम के गांव एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से देवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे और उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई और उसने अपने हाथ से सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को दे दी। क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? वह लड़की क्या कहती है? गांधी जी के पास जाकर कहती है कि वह ये लीजिए मेरी सोने की चूड़ी। वह अपनी सोने की चूड़ी जो है वो दान में दे देती है और गांधी जी को कहती है कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर दीजिए यानी कि ऑटोग्राफ दीजिए। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरी चूड़ी हाथ से भी निकाल कर दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। तो इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया और गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तो बिना कोई उत्तर दिए उसने अपने कानों से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल कर दे दी। तो गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मान पत्रों की नीलामी में यही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। तो अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा ही कि गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो कौमुदी ने क्या किया कि वह गांधी जी ने कहा कि मैं आप सबको आजादी दिलवाऊंगा लेकिन इसके बदले में आप सबको मेरी मदद करनी होगी कि मुझे आप सबसे कुछ जेवर चाहिए और वो जेवर जो है यानी कि गहने जो है उसकी नीलामी लगवा कर उन पैसों से अपने देश की आजादी में वो पैसे यूज करते थे। तो अपना भाषण वह समाप्त करके गांधी जी नीलाम करने लगते उस गहनों को। नीलामी करना यानी कि बोली लगाना, आप सबको पता है ना कि आपने फिल्मों में देखा होगा, घर की बोली लगवाते हैं, अपने जमीन की बोली लगवाते हैं, खेतों की बोली लगवाते हैं, देखा है सभी ने किसी बार? बोली मीन्स नीलामी करना यानी कि यस, कोई 1 करोड़ में दे तो कोई 2 करोड़ वैसे। यस, यदि कोई नीलामी लगभग तो बहुत कम लगती है लेकिन सरकारी बैंकों में या जो लोग गिरवे रखते हैं ना अपनी चीज वस्तु ये, तो बाद में वह पैसे वहां पर चुका नहीं सकते, तो उसके बदले में जो उसने वहां पर जायदाद के कागजात रखे होते हैं, गहने रखे होते हैं, तो बाद में बैंक वाले सरकारी कर्मचारी जो है वह उस जमीन के उस घर के उस गहने की बोली लगवाते हैं और जो बोली लगवाते हैं उनमें से जो पैसा आता है उन्हीं पैसों से उनका कर्ज चुकाते हैं। तो उन बोली में क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई एक मकान है जिसके बारे में बोली लग रही है तो कोई व्यक्ति उसे 25 लाख में मांग रहा है, तो कोई उसे 30 लाख में, कोई 50 में, कोई 60 में, 10 दिन है वो लोग। हाँ, 10 तक गिनते हैं, तभी कोई और बोली जाए तो उसे मिलता है, नहीं तो जो पहले बोली बोला होता है उसे मिलता है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसका होता है वो।
यस उसी को ये वस्तुएं मिलती है। तो उसी तरह यहाँ गांधी जी पहले सबके पास से गहने इकट्ठे करते थे, बाद में सभी गहनों की नीलामी करते थे, और उसी नीलामी से जो पैसे आते थे उन्हें वह अपने देश को आजाद करवाने में लगाते थे। क्योंकि वह जहां पर भी जाते थे वहां पर पूरा देश उसके साथ, देश के नवयुवक सब जो थे उसके साथ जुड़े हुए थे। तो उन सबको खाने पीने रहने का सभी को जरूरत पड़ती है, सभी चीज वस्तुओं की, तो उसके लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती थी। और इसके लिए वह अलग अलग राज्य में जाकर, अलग अलग गांव शहर में जाकर क्या करते थे गांधी जी कि सभी के पास, सभी बहनों के पास से अपने गहने मांगते थे। और वह कहते थे कि आप मुझे सहयोग देंगे तो मैं आप सबको अपने देश की आजादी दिलवा कर ही रहूंगा। और हकीकत में भी ये काम गांधी जी ने कर दिखाया कि अपने देश को आजादी दिलवाई। कितने सालों से हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो उनमें से गांधी जी जैसे कई बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने सबने मिलकर हमें, हमारे देश को आजाद करवाया। तो उस कौमुदी नाम नीलामी चल रही थी, तो उसी वक्त कौमुदी नाम की लड़की जो है वो वह मंच पर आती है और सोने की चूड़ी उतार कर दे देती है। तो गांधी जी को देते हुए कहती है कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर यानी कि ऑटोग्राफ देंगे? तो गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरी चूड़ी भी उतार दी। और यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। तभी वह अपना स्वर्ण हार यानी कि अपने गले में पहना हुआ सोने का हार उतार कर गांधी जी को दे देती है। बाद में वह पूछते है कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना, परमिशन ली है ना, कोई छोटा बच्चा हो या तो उसे कोई भी काम करना हो तो पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है ना। हम भी यदि कोई भी काम करते हैं तो पहले अपने माता पिता से पूछते हैं ना। तो इसी तरह कौमुदी भी अभी 16 साल की ही थी, तो इसीलिए गांधी जी उसने उससे कहते थे कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना। बिना कोई उत्तर दिए कानों में से रत्नजड़ित बूंदे भी निकाल कर दे दी, यानी कि अपनी एयरिंग्स भी दे दी। और गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना, यानी कि पूछा है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा कि यहाँ पर जो ये सब गहनों की नीलामी का काम कर रहे हैं, वह इसके ही तो पिताजी है। तो अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह मालूम होगा कि गहने दे देने के बाद तुम दूसरे गहने नहीं बनवा सकोगी। तो कौमुदी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने देश को आजाद करवाना है। तो इस तरह हमारे देश में ये बड़े बड़े नेताओं ने तो सहकार दिया है, उसके आंदोलनों से ही हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन इससे कई छोटे छोटे लोग थे जो साधारण नागरिक थे, उन सब ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए उतना ही सहयोग दिया है। तो हमें इन सबको सतत प्रणाम करते हैं, और ऐसे देशवासी हमें आज अपनी आजादी का हम मजे ले रहे हैं। तो इन सभी के कारण ही आज हम सब आजाद हुए हैं। तो सच में ही देश प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं होता। ओके, तो चलो सबको ये दोनों प्रसंग समझ में आ गए बेटा। हेलो, यस, सबको ये दोनों प्रसंग बेटा जो है वो समझ में आ गए? यस मैम, समझ आ गए। ओके, चलो तो अब हम इसे रीड करते हैं। नोमान, नोमान प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ चलो इस लेसन को रीड करते हैं। ओके, नेपाल लेसन नंबर टू। ऐसा था नेपालियन अनूठे इंसान,
इस लेसन का नाम है अनूठे इंसान। अनूठे इंसान नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मचोली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपालियन उसे ढूंढने के लिए उधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकरा गया। लड़की अवरुद्ध बेचैन के लिए जा रही थी। नेपालियन उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अवरोध खराब हो गए। वह रोती हुई पहले लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले, नहीं बहन हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपालियन ने जब जेब में रख रखे तीन छोटे सिक्के उस लड़की को देखकर कहा, बहन मेरे पैसे मेरे पास ये तीन ही सिक्के है, तुम इन्हें ले लो। इन तीन सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ कर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। वेरी गुड बेटा, चलो ओके। इस पर इलाइजा ओके नो मैम नेपालियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे? ओके बेटा। तो माँ मैम नाराज होगी। ओके नो मैम वेरी गुड बेटा ओके चलो। अजीम चौके आजीम मैम चौके आजीम मुझे रीड करना है। हाँ बेटा चौके आजीम प्रेजेंट है। यस हाँ चलो रीड करो।
इधर जा जहाँ पर नो मान। अब मैं गुड मैन सॉरी अहमद फजील। हाँ फजील बाद में बेटा, आप पहले अजीम रीड कर लो बेटा। ओके मैं सेकंड पैराग्राफ। मैम उसने माइक म्यूट कर दिया। ओके फजील मैम सर ये जोर अब मैम मैंने पहले किस पर ई जा की लाई इजा नेक्स्ट पैराग्राफ एलियन से कहा मां भाई इसे घर ले जाए एक तो मां नाराज होगी। नेपालियन नहीं माना, वो उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। मैं माँ को ओ, ओ, क्या जवाब दूँगा की घटना की जान करी देकर वह बोला माँ आप मुझे जो जेब खर्च देते हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है मैं तुम्हारी इस सच्चाई से खुश हूँ मगर याद रखना अब तुम्हें एक महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा ठीक है। माँ नेपालियन ने हंसते हुए कहा माँ ने उस लड़की को दो बड़े सिक्के दिए खुशी खुशी घर लौट गया। नेपालियन को धक्का देने की इस सच्चाई तो मिली परंतु धक्का देने की सजा तो मिली परंतु सजा तो मिली परंतु ये ओके पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत अंदर आया। वास्तव में नेपालियन सच्चाई के पर चलन चलवान चलो चलने वाला इंसान था। वह बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। ओ दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। माल बा की बात है। वह बड़गारा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन गांधी जी ने अपने भाषण में सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुओं भेंट में मिली। अपना समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करके ले गए।
उसी समय को मुदी नाम की 16 बरस की एक कन्या धोरी धीरे से मक्कर चंद आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उस उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपना हस्त का हस्तभार देंगे? गांधी जी ये हस्तभार कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चुड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की देने चूड़िया देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़िया लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुम मने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसे पहले ही किसी ने बोला, इसके पिता तो यही है ना, मान पुत्रों की नीलाजी में वही तो बोलीगा। लगवा कर अपनी आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने मोदी से कहा, तुम है यह तो मालूम होगा कि ये घर ने दे देने के बाद तुम फिर ना गहने नहीं बना सकोगी। कौमुदी ने शर्त दूढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग हो सच्चा आभूषण है, सच है। देश समय सब बढ़कर कुछ नहीं, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। ओके, वेरी गुड बेटा। तो अब आगे इस लेसन को हम अगले लेक्चर में रिवाइज करेंगे कल।